हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहां पर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। ए बी सी, इसका ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका ऑल्टीट्यूड साइड, ये बेस है, सपोज यहां पर लिखेंगे लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर से ले लेंगे, और ऑल्टीट्यूड जो साइड है, ये साइड जो है, इससे 7 टाइम कम है, माइनस लेना है यहाँ पर। तो क्या लेंगे हम लोग, लेस देन बोल रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस सेवन ले लेंगे। इफ द हाइपोटेन्यूस साइड, ये हाइपोटेन्यूस साइड हो जाता 13। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस साइड HYP इज इक्वल टू 13 दे दिया। फाइंड द अदर टू साइड्स, ये दोनों साइड्स हमको इसके अंदर मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे या रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² ले सकते हैं, ये आप यूज कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए AB² हमको गिवन है X² BC² गिवन है X-7² इज इक्वल टू AC² 13², ये हमको गिवन है। अब ये देखिए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ A-B² A² - 2AB + B² ये फॉर्म में ही है। तब हम इसको क्या करेंगे, ये फॉर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, X² प्लस यहाँ पर A² X² -2AB 2x × 7, B² हो जाएगा 7² इज इक्वल टू ये 13² 13 × 13, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर X² प्लस X² 2x² -2 × 7 = 14x प्लस 7 × 7 = 49 13 × 13 = 169 2x² -14x प्लस 49, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, 169 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप के लिए 2x² -14x, इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, हम शॉर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2। हम इसको पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, X² 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 × 6 = 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर्स ले लेंगे, 160 आसानी से आप कोई भी टेबल में ले सकते हैं। 160 कौन से टेबल में आएगा, 160 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, उसी तरह आप 12 यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए 160 का, 2 × 8 = 16, 0, 2 × 4 = 8, तो हम डिवाइडेड करें 60, तो यहाँ पर हो गया ये 60x² 60x² के हम टेबल निकालेंगे, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60। तो यहाँ पर 7 है, इसको -7 ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करने पर आ जाएगा -7x। तब हम क्या करेंगे, ये -7 को यहाँ से रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये X² इसको हटा देंगे तो क्या रखेंगे हम, -12x + 5x - 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा, X - 12, उसी तरह यहाँ पर भी एक X - 12, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 0। दोबारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, X - 12, यहाँ से X + 5 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, X - 12 इज इक्वल टू 0, X = 12, X + 5 = 0, X = हो गया -5। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आपको आ गए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, एक साइड आप करेंगे बेस ऑफ द ट्राइंगल ले लेंगे आप, बेस को सपोज हम x कर रहे थे तो x की वैल्यू 12 ले लेंगे, ऑल्टीट्यूड को हम क्या कर रहे थे, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल को हम कर रहे थे x-7 लिए थे, तो x 12 - 7,
12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 12 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।